बांदा के कमासे में संगीतमयी राम कथा के अंतिम दिवस में चित्रकूट से आई कथा वाचिका सुमन देवी ने निमखारविंद से भाई के प्रेम का वर्णन किया। रामचरितमानस से लक्ष्मण शक्ति का मार्मिक वर्णन बताया। इसी तरह सुंदर कांड से भी मनीष नंद महाराज ने सुंदर वर्णन करते हुए प्राणी को जगत प्राणियों के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा अवसर प्राप्त करने का कहा। कस्बे में रामकथा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। श्री रामकथा सेवा समिति द्वारा आयोजित संगीतमय रामकथा के अंतिम दिन में अमृतवाणी से लोगों को मार्मिक प्रवचन के माध्यम से अमृत स्नान कराया गया। चरपत बांदा में नत्थू पटेल की रिपोर्ट। साथ में जो पधारे हैं यहाँ आगे आ जाए तो उनको सम्मानित करें, क्योंकि संत के साथ चलने वाला भी संत होता है। इसलिए हमारे नवयुवा सदस्य आदरणीय अमित कुमार जी, उनको सम्मानित करें और आप लोग जोरदार तालियां न भूलें। हमारे विद्वान वक्ता परमादरणीय संत शिरोमणि और जहां विश्व स्तरीय मंदिर बन रहा है राम मंदिर, उस भूमि से पधारे हैं आदरणीय मनीष नंद महाराज जी। मंदाकिनी टाइम्स की सभी छोटी बड़ी खबरों की अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।